नमस्कार दोस्तों दोस्तों कुछ बच्चों की क्वेरी है कि सर 3 दिसंबर से इसका एग्जाम है। सो जो सबसे पहला है अपना पर्सनल फाइनेंस का, तो दोस्तों मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट किए हैं आपके लिए कि अगर एटलीस्ट उतना तो आप कर लो जो इजीली है आपके समझने के लिए। और इसके पेपर में सबसे ध्यान ये रखना कि अगर आपने एक बार भी उसके बारे में सुना है, तो जैसा कि मैं कोशिश करूंगा इन वीडियोज में कि आपको उनके बारे में एक्सप्लेन कर दूं और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट कर करके आपको बताऊं, ताकि आपको ज्यादा एफर्ट ना लगानी पड़े उसे याद रखने में और आप कुछ जब पेपर में आए तो लिख सको। तो ये पेपर पूरा थियोरेटिकल बेस्ड रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपके 10 ईयर में भी देखा है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो थियोरेटिकली ही पूछा जाता है। तो जो चैप्टर जिसमें ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा तो हम उसे थोड़ा सा अभी इग्नोर करके चलेंगे, ताकि अपना सिलेबस कवर कर लें, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल जो एग्जाम है वो आपके सर पे है। तो ये जो लेसन नंबर 3 है, मैंने इसको देखा, पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, तो हम इसे स्किप करेंगे और देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है। उसमें जो कॉन्सेप्ट है पढ़ने के लिए वो हम पढ़ के फिर उसको भी आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि क्या क्या हमने अभी तक सीखा है। तो जो ये लेसन नंबर 4 है, रियल इस्टेट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, कमोडिटी मार्केट इन इंडिया और म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग सिप, तो थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे देता हूँ। तो जो ये रियल इस्टेट किसे कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना बड़े बड़े बिल्डिंगे लोग बना रहे हैं, या बिल्डिंग बन रही है रियल प्रॉपर्टी के फॉर्म में जो भी चीजें बन रही है उसे हम रियल इस्टेट ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पर्सनल प्रॉपर्टी से अलग होती है। रियल इस्टेट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट अटैच टू दी लैंड, जो लैंड से रिलेटेड है, चाहे वो नेचुरल है, मैन मेड है, इंक्लूडिंग वाटर, ट्रीज, मिनरल, बिल्डिंग, होम्स, फेंसेस एंड ब्रिजेस, ये सब रियल इस्टेट में ही आ जाते हैं। अब ये जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि थिंग्स नॉट परमानेंटली अटैच टू दी लैंड, सच एज व्हीकल्स, बोट्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, फार्म, इसको हम रियल इस्टेट नहीं बोलते हैं। तो रियल इस्टेट जिसे हम बोलते हैं वो हमने अभी देख लिया, लैंड, चाहे वो नेचुरल हो, मैन मेड, इंक्लूडिंग वाटर, ट्रीज, मिनरल्स, बिल्डिंग, होम्स, फेंसेस एंड ब्रिजेस, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लैंड लैंड रियल इस्टेट और रियल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। लैंड जो अर्थ के सरफेस डाउन पे रहता है, सेंटर ऑफ द अर्थ एंड अपवर्ड टू द एयर स्पेस अब, मतलब इसी के ऊपर, लैंड जैसे ये लैंड का ये बेस है, इसके ऊपर का जो एयर स्पेस है ये सब इसमें आ जाते हैं, इंक्लूडिंग द ट्री, मिनरल, वाटर, ये सब लैंड के इसमें आ जाते हैं। रियल इस्टेट इज द लैंड जिसमें परमानेंट मैन मेड एडिशन होते हैं, सच एज हाउसेस और अदर बिल्डिंग, इसको रियल इस्टेट बोलते हैं। और रियल प्रॉपर्टी जैसे कि टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज द इंटरेस्ट, बेनिफिट्स और राइट इनहेरेंट इन द ओनरशिप ऑफ रियल इस्टेट। जो रियल इस्टेट में जो ओनरशिप है उसे हम रियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल इस्टेट, भैया ये इमोबिलिटी होती है, मतलब ये हिलेगा नहीं है, रिमूवल नहीं है, लैंड को आप हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते। इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी, मतलब लैंड इज ड्यूरेबल और परमानेंट है, ये परमानेंट है, लैंड की खासियत है ये सब। यूनिकनेस, नो टू पार्सल ऑफ लैंड कैन बी एग्जैक्टली द सेम, मतलब दो जगह एक एक जैसी नहीं हो सकती, दोनों लैंड को एक नहीं बोल सकते, दोनों अलग अलग हो, दो चीजें होंगी, दो लैंड होगी तो दो चीजें अलग होगी। इवन दो दे मे शेयर सिमिलैरिटीज, एवरी पार्सल डिफर ज्योग्राफिक, मतलब दोनों सेम एक जैसा होगा बट ज्योग्राफिकली उसका लोकेशन अलग होगा, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि लैंड यूनिकनेस होती है इनमें। नाउ इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल इस्टेट, स्कैर्सिटी, मतलब ये कि भैया लैंड तो लिमिटेड ही है, लैंड तो लिमिटेड ही है, तो वो उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, तो इसलिए इसकी जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है, कितनी अवेलेबिलिटी है वो फिक्स्ड है, तो ये स्कैर्सिटी मतलब कमी है। इम्प्रूवमेंट, आप इसमें एडिशन कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो लैंड में, बिल्डिंग में, तो ये इम्प्रूवमेंट इसमें पॉसिबल है। परमानेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो लैंड इम्प्रूव हो गया, टोटल कैपिटल और लेबर जो भी उस पर बिल्डिंग बिल्डिंग लगा दी आपने, फिक्स इन्वेस्टमेंट आपने कर दी है, तो वो इन्वेस्टमेंट परमानेंट हो जाती है। फिर लोकेशन और एरिया प्रेफरेंस, कि आप किस लोकेशन की बात कर रहे हो, ये उस लोकेशन पे बेस्ड है पूरी की पूरी रियल इस्टेट का जो काम है। आप किसी अच्छे लोकेशन की बात करोगे तो वहां का प्राइस, इन्वेस्टमेंट वैल्यू अलग रहेगा। टाइप्स ऑफ रियल इस्टेट, रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, मतलब रहने लायक जो घर बना रहे हैं, कोऑपरेटिव, डुप्लेक्सेस, टाउन हाउसेस, मल्टी फैमिली, ये सब रेजिडेंशियल रियल इस्टेट है। कमर्शियल रियल, जहाँ पे बिजनेस करने के लिए कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हो। इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट, जहाँ पे
बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए बना रहे हैं, वो रियल इस्टेट वो वाला हो जाएगा। लैंड मतलब कोई जमीन खाली है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो भी रियल इस्टेट में आ जाएगा। और स्पेशल पर्पज जैसे कि गवर्नमेंट बिल्डिंग लगा दी, बना दी, लाइब्रेरी बना दी, पार्क्स लगा दिए, स्पेस ऑफ वर्शिप बना दिए, पूजा मतलब मंदिर वंदिर के लिए, स्कूल बना दिए, ये सब स्पेशल पर्पज में आ जाएगा। तो ये टाइप्स ऑफ रियल इस्टेट होंगे। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल इन्वेस्टिंग रियल इस्टेट इन इंडिया। जब हम रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे शेयर्स में करते हैं तो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे रियल इस्टेट में करते हैं तो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेरा है। ठीक है, तो आपको रेरा के बारे में ज्यादा नहीं जानना, बस इतना याद रखना कि रेरा है। अब ये सब तो है ही, प्रधानमंत्री की योजना है कि आप इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आ गए, इसमें आप डेवलप करो, आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी। फाइनेंशियल डेरिवेटिव ये रियल एस्टेट से कंप्लीटली अलग है, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, जो कि जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग असेट मतलब उसकी सिक्योरिटी में जो असेट रखे गए हैं उसके उस पर उसकी वैल्यू निकलती है। अंडरलाइंग असेट कुछ भी हो सकता है, रियल एस्टेट भी हो सकते हैं, गोल्ड भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने आपके पास गोल्ड है, गोल्ड को आपने गिरवी रख दिया और कुछ पैसे ले लिए, तो फाइनेंशियल असेट्स ले लिया है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन ये जो गोल्ड है वो अंडरलाइंग असेट कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये सारे डेरिवेटिव में जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वैल्यू उसके अंडरलाइंग असेट से निकलती है। अंडरलाइंग असेट मतलब जो गिरवी, एक तरीके से कह सकते हो, चाहे वो गोल्ड है, रियल इस्टेट है, उसके हिसाब से उसकी डिसीजन उसकी वैल्यू निकलती है। डेरिवेटिव में क्या क्या आ जाते हैं, डेट इंश्योरेंस, शेयर, लोन, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, रिस्क इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस और अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइसेस और इंडेक्स ऑफ प्राइसेस अंडरलाइंग। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसकी जो वैल्यू है उसके अंडरलाइंग असेट की वजह से होती है, ऐसे अंडरलाइंग सिक्योरिटी की वजह से आ रही है, तो उनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव और फाइनेंशियल डेरिवेटिव। ये जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव शेयर्स हैं, ये सब तो आपको पता है कि बीएससी, एनएससी, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। जो कमोडिटी डेरिवेटिव है, सच एज राइस, बेट मतलब गेहूं, दाल, चावल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, उसको हम बोलते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव। एलिमेंट्री डेरिवेटिव एंड कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव। एलिमेंट्री डेरिवेटिव वो है जो सिंपल है और इजी अंडरस्टैंडेबल है, और सच डेरिवेटिव फ्यूचर और ऑप्शंस होते हैं, ऐसे डेरिवेटिव को हम फ्यूचर और ऑप्शंस बोलते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव होते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस होते हैं, फीचर्स हैं, जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं समझने में, नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो जो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव होते हैं उसमें एक्जोटिक ऑप्शन होते हैं, सॉरी, सिंथेटिक फ्यूचर्स होते हैं और ऑप्शंस होते हैं। नाउ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स एंड ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो एक्सचेंज में ट्रेड किया जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जा रहा है, चाहे वो दे में भी प्राइवेटली ट्रेडेड ओवर द काउंटर, चाहे वो प्राइवेटली ट्रेडेड हो, लेकिन जो ट्रेडिंग में है उसको हम एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव बोलते हैं। नाउ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेंट्स और ट्रेडर इन डेरिवेटिव मार्केट, ये जो हेजर्स होते हैं, हेज करना मतलब अपने रिस्क को सेफ गार्ड करना, अपने रिस्क को बचा लेना। जैसे आगे चल के आपको लग रहा है कि यार डॉलर्स की वैल्यू ना बढ़ने वाली है, तो आज ही आपने परचेज के कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए और आज आपने डिसाइड कर लिया यार 80 के रेट से मैं आज से 2 साल बाद खरीदूंगा या 1 साल बाद खरीदूंगा, तो 1 साल बाद चाहे रेट कुछ भी हो, आपने अपने रिस्क को हेज कर लिया है, आपको वो 1 साल बाद 80 रुपए में ही मिल जाएगा। तो हेज बोलते हैं, इन्वेस्टर्स हैविंग लॉन्ग पोजीशन मार्केट एंड एक्सपोज्ड टू प्राइस रिस्क, जो ये प्राइस के बढ़ने की वजह से जो रिस्क आने वाले हैं उसको कम करने के लिए, प्राइस के वजह से हो सकता है एसेट की वैल्यू डाउन हो जाए, है ना, इन्वेस्टर्स के पास रिस्क इतना ज्यादा हो जाए कि इन्वेस्टर जो असेट है जो लेने लेना चाहते होंगे, वो असेट की प्राइस हाई भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, असेट जो है पोजीशन, तो इन हाई और डाउन होने वाले रिस्क को स्पेकुलेट कर लेता है वो बंदा पहले ही कि यार अभी से हेज कर लेते हैं।
स्पेकुलेटर्स, स्पेकुलेटर्स में जो अनुमान लगाते हैं, डेरिवेटिव यूज करते हैं, एक्स्ट्रा लीवरेज और अर्न क्विक गेन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ, मतलब फ्यूचर में जो भी असेट के प्राइस में चेंजेस होंगे उसके बेस पे वो अभी अनुमान लगा लेता है, और एक्स्ट्रा जो गेन मिलने वाला है या जल्दी उसको गेन मिलने वाला है उसकी वजह से वो अपना स्पेकुलेशन के बेस पे सारे के सारे काम करता है, फ्यूचर्स में बायर कर लेता है। ये रिस्की काम है वैसे, हेजिंग ज्यादातर बड़ी कंपनी जिनमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे फॉरेन में पैसा आने वाले होते हैं, तो उसको पता है यार आगे चल के डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो पहले से ही वो अपने रिस्क को कवर कर लेता है, हेज कर लेता है। आर्बिट्रेजर्स, ये भी हाई रिस्की होता है। आर्बिट्रेजर्स में एडवांटेज ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन प्राइसिंग एंड एक्सप्लोसिव बर्निंग ब्रिंग इक्विलिब्रियम, मतलब डिस्क्रिपेंसी है किसी प्राइसिंग में, प्राइसिंग में जो कोई डिफॉल्ट है उसका बेनिफिट उठा लेते हैं ये। प्राइस डिस्क्रिपेंसी इन टू मार्केट, दो मार्केट में प्राइस में कोई अगर लूप होल है, कोई कमी है, तो उसका बेनिफिट, तो ये भी गलत है वैसे आर्बिट्रेजिंग करना। नाउ टाइप ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव, फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स में क्या होता है, आप फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। फॉरवर्ड इज प्राइवेट बायलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय एंड सेल ए स्पेसिफाइड एसेट एट ए स्पेसिफाइड प्राइस ऑन ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। फ्यूचर में फ्यूचर प्राइस पे दो पार्टी आपस में डिसाइड कर लेती है, मैं इतने पे बेचूंगा, तुम इतने पे खरीदोगे, इसी को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बोल देते हैं। जैसे कि 6000 kg बिट सेल करेगा इन फ्यूचर, बट ही हैज ऑप्शन गेटिंग द प्राइस फिक्स्ड नाउ विद सेलिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि 6000 बिट उस टाइम पे इतने पे मैं बेचूंगा, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेता है। फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या क्या फीचर्स हैं, वो कस्टमाइज है, अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई भी असेट का कर सकते हो, कितनी भी क्वांटिटी कर सकते हो, कितनी भी क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट साइज कर सकते, अंडरलाइंग असेट, मतलब इसके इसकी जो वैल्यू निकलती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी ना किसी असेट के लिए, जैसे कि चावल इतने दिनों बाद में इतने पे खरीदूंगा, तो चावल एक असेट हो गया ना, उसके लिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू चावल की वजह से आ रही है। ऐसे ही अंडरलाइंग असेट में जो भी स्टॉक हो, बॉन्ड हो, इक्विटी हो, फॉरेन करेंसी, इंटरेस्ट रेट, इसकी वजह से उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आएगी। सिस्टमेटिक राइट एंड ऑब्लिगेशन, इसमें एक तरीका होगा, दोनों पार्टीज अपने इक्वल राइट और ऑब्लिगेशंस का इस्तेमाल करेंगे कि इतने पे मैं खरीदूंगा, इतने पे मैं बेचूंगा, दोनों एक दूसरे को सहमति देंगे। नॉन रेगुलेटेड मार्केट, ये रेगुलेटेड नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की बात चल रही है, एक्सचेंज में नहीं रेगुलेट किया जाता है। काउंटर पार्टी रिस्क और डिफॉल्ट, एक रिस्क तो रहेगा ही, बायर सेलर दोनों खुद ही मिलकर एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो किसी के भागने का एक डर रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज में तो ऐसा नहीं होता है। हेल्ड टिल मैच्योरिटी, जब तक वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर नहीं होगा तब तक आपको हेल्ड करना होगा, क्योंकि भाई 2 साल बाद खरीदने की बात हो रही है या 6 महीने बाद खरीदने की बात हो रही है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इज लो एज कॉन्ट्रैक्ट आर कस्टमाइज कैटर्स टू नीड द प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व, दे आर नॉट ट्रेडेड, मतलब लिक्विडिटी लो इसलिए रहेगा ना कि लिक्विडेशन की केसेस यहाँ पे चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि एक्सचेंज पे तो ट्रेड हो ही नहीं रहा है, आपस में बैठ के दोनों कस्टमाइज कर रहे हैं एक तरीके से एग्रीमेंट को। और सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब भाई 2 महीने बाद 4 महीने बाद जो भी आपने लिखा हुआ है कि भाई इसमें मैं इतने पे बेचूंगा, इतने पे खरीदूंगा, उस टाइम पे आप कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्यूचर्स, फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर इज अ रीडिफाइंड और मॉडिफाइड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है बट ये रीडिफाइंड है, मॉडिफाइड है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल स्पेसिफाइड असेट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, स्पेसिफाइड प्राइस, स्पेसिफाइड डेट, इट इज ट्रेडेड ऑन, बट ये क्या है, इट इज ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज एंड इट इज अ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, वो पहले वाला एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किया जा रहा था, एक्सचेंज मतलब सेबी, सेबी में पहले एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा रहा था, मतलब सॉरी स्टॉक एक्सचेंज मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज जिसको सेबी रेगुलेट कर रही है, तो भाई जब ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जा रहा है तो सेबी के अंदर आ गया, तो सेबी तो अपने इन्वेस्टर्स को बचाना ही चाहती है। इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट से स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एक्सचेंज में ट्रेडेड होते हैं तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग, इसमें भी जो फॉर्मल एक्सचेंजेस हैं, जो भी स्टॉक एक्सचेंज के नियम है वो यहाँ पे
एप्लीकेबल हो जाते हैं। नो डिफॉल्ट रिस्क, इसमें कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। मार्जिन, सेटलमेंट, गेन, लॉस सब मार्केट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। लिक्विडिटी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हाईली लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पे, तो कभी भी इसको बेचा जा सकता है, स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। बिफोर मेच्योरिटी सेटलमेंट पॉलिसी, मतलब मेच्योरिटी से पहले भी सेटलमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, बट पहले वाले में ऐसा नहीं था। मार्जिन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपको इनिशियल मार्जिन की जरूरत पड़ेगी अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, शुरुआत में कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। और सेटलमेंट मैकेनिज्म, क्योंकि ये पे डेरिवेटिव मार्केट है, कैन बी दो तरीके से हो सकते हैं, डिलीवरी और कैश सेटलमेंट। या तो आपको शेयर दे दिया जाएगा, नहीं तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, या फिर कैश सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो एक बार आप यहां से फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार रीड आउट कर लेना। जो मैंने चीजें बताई है, एक्सप्लेन की है, वही उसी के कंपैरिजन फॉर्म में लिखा गया है। तो अब है प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो प्राइसिंग होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की और वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, वो सब के सब कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में जब ये सब कुछ हो जाएगा तो स्पेसिफाइड प्राइस पे ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिए जाएंगे। ये पार्ट आप स्किप कर देना, क्योंकि मैंने देख लिया आपके 10 ईयर में ऐसा कुछ नहीं पढ़ बताया जा रहा है। ये वाला पार्ट हमें करना होगा, फ्यूचर और ऑप्शन में क्या क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो दोस्तों यहां से अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे के पार्ट को, और पूरी कोशिश करेंगे कि जहां जहां समझाने वाली चीज होगी मैं आपको समझाऊंगा। और हम ये प्रैक्टिकल पार्ट, इसमें अभी इस टाइम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं प्रैक्टिकल पार्ट को करने में, तो हम कोशिश करेंगे जैसे कि आपके 10 ईयर में मैंने देखा थियोरिटिकल ही पूछा जाता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी चैप्टर में थ्योरी से रिलेटेड, वो हम पढ़ते चले जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश है वो कि आपका मैं खत्म कर दूँ 3 से 4 दिन में ये सब कुछ, और वीडियोज अपलोड कर दूँ, ताकि कुछ तो यार हेल्प हो जाए आप लोगों की। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।